यह कहानी चार ऐसे दोस्तों की है जो काफी मौज में रहा करते थे, जिनकी एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं चलती थी। लेकिन कहानी में तो मोड़ तब आ जाता है जब एक दोस्त की बॉडी पुलिस को बरामद होती है और इसी के बाद एक दोस्त अपनी जान देना शुरू कर देते हैं। तो आखिर क्या थी वजह और क्यों ये सभी लड़के अपनी जान देने पर तुल गए, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर हमें एक सपोर्ट जरूर कर दें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम विक्की और रोशन नाम के दो लड़कों को देखते हैं, जो कि एक दूसरे को ऊपर से धक्का मारने की बात कर रहे थे क्योंकि वो दोनों जान देना चाहते थे। अब कुछ ही समय बाद हम पुलिस को देखते हैं, जिन्हें वहीं पर विक्की का शव बरामद होता है। वहीं दूसरी ओर रोशन एक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ था और जब उसे होश आता है तो वह वहां से भाग जाता है। यहां विक्की के घर में पुलिस छानबीन करते हैं ताकि विक्की का कोई सुसाइड नोट मिल सके, जिससे पुलिस को पता चले कि क्या उसने खुद से यह जान दिया था या नहीं। और घर में विक्की का फोन मिलता है। जब पुलिस घर वालों से पूछताछ करते हैं तो छोटी बहन बताती है कि उसका भाई कुछ दिनों से परेशान था, उसने उसे रोते हुए भी देखा था, लेकिन पूछने पर उसने उससे बात टाल दी। लेकिन वहाँ पर इसे समझ गया था कि उसका भाई विक्की कुछ तो छुपा रहा है। साथ ही उस दिन के बाद से उसका भाई पूरी तरह से बदल गया था, वह घर के सारे काम करना शुरू कर दिया था और साथ ही सबका देखभाल करने लगा था। पुलिस के पूछे जाने पर वह बताती है कि रात में उसके तीन दोस्त मयंक, रोशन और भुवन उसे नीचे मिलने आए थे। इसलिए पुलिस यह जानने के बाद सिक्योरिटी वाले से पूछताछ करना शुरू करते हैं, जहां वह बताता है कि वहां पर सिर्फ दो लोग थे जो कि उसके अच्छे दोस्त थे। साथ ही सिक्योरिटी वाला बताता है कि उसके दोस्त काफी डरे हुए थे और वह ब्लैकमेल करके कुछ तो बात कर रहे थे, लेकिन उन लोगों में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। इसलिए पुलिस विक्की के दोस्त के घर जाना शुरू करते हैं, लेकिन पुलिस को रोशन का कोई पता नहीं था, इसलिए सबसे पहले वो मयंक और भुवन के घर जाना शुरू करते हैं। जहां मयंक के घर जाने पर पुलिस को पता चलता है कि मयंक घर पर नहीं है और साथ ही उसका फोन भी स्विच ऑफ है। वहीं जब पुलिस भुवन के घर जाते हैं तो वहां पर भुवन भी घर पर नहीं था, साथ ही उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस स्टेशन में आने पर पुलिस को साइबर सेल से पता चलता है कि विक्की का फोन पूरी तरह से इरेज कर दिया गया था, जिसमें कोई भी डेटा नहीं था। और साथ ही पुलिस को रोशन का एड्रेस पता चल जाता है। जब पुलिस वहां पर जाते हैं तो रोशन घर पर ही था, जहां पुलिस के पूछे जाने पर वह बताता है कि उसकी तबीयत खराब थी और वह घर पर ही था। रात में तीनों दोस्त एग्जाम के नोट्स के लिए विक्की के घर के नीचे मिले थे, जहां चौकीदार उसे देख नहीं पाया होगा। साथ ही वह बताता है कि उसने सुबह अपने दोस्त को कॉल किया था, लेकिन सभी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और जब पुलिस उसे बताते हैं कि विक्की अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो यह सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है। जब पुलिस स्कूल में पूछताछ करना शुरू करते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि वे सभी एक अच्छे दोस्त थे। सभी दोस्त लड़कियों से बात करने में काफी डरते थे। साथ ही स्कूल टीचर से पूछे जाने पर उन्हें पता चलता है कि यह चारों दोस्त मौज मस्ती में रहा करते थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका स्वभाव बदल गया था। वहीं विक्की के घर पर विक्की की अंतिम विदाई हो रही थी, लेकिन यहाँ पर रोशन को पता होने के बावजूद रोशन उसे मिलने नहीं आया था। और साथ ही पुलिस को मयंक और भुवन दोनों के बारे में कोई पता नहीं था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि भुवन और मयंक हाथ पकड़कर ट्रक के पास जा रहे थे। अब सीन बदलता है और हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि पुलिस को दो लाश के बारे में पता चलता है। जब पुलिस इन दोनों लाशों की पुष्टि करते हैं तो वह दोनों लाश भुवन और मयंक का था, जो कि ट्रक के नीचे आकर अपना जान गवा दिए थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में पुलिस को पता चलता है कि भुवन और मयंक इन दोनों का भी फोन विक्की के फोन की तरह पूरी तरह इरेज था, यानी कि जान देने के पहले इन्होंने अपने फोन का पूरा डेटा पूरी तरह से डिलीट कर दिया था, जिससे पुलिस को समझ जाता है कि यह सभी बच्चे बिल्कुल भी यह नहीं चाहते थे कि इनकी कोई बात दूसरे तक पहुंचे। जब पुलिस मयंक के घर पूछताछ करना शुरू करते हैं तो उसके पिताजी बताते हैं कि मयंक काफी शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन कुछ दिनों से वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, किसी से भी ठीक से बात नहीं करता था। और जब पुलिस भुवन के घर जाते हैं तो वह देखते हैं कि भुवन की माँ पागल सी हो गई है, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। और भुवन की मासी बताती हैं कि भुवन कुछ दिनों से गुमसुम सा रहने लगा था। यहाँ पुलिस कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन बच्चों के साथ हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद विक्की के घर पर एक आदमी आता है जो कि लोन का इंस्टॉलमेंट मांग रहा था। वह बताता है कि विक्की ने 15 तोला गिरवी रखकर 6 लाख का लोन लिया था, जिसकी पहली किश्त ही अब तक नहीं भरी गई है। लेकिन विक्की की मौत की खबर सुनकर वह आदमी अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। और जब घर में सभी अपना सामान चेक करते हैं तो उनके जेवर वहां पर बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए वे सभी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी जानकारी पुलिस को दे देते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए पुलिस के मांगे जाने पर विक्की के पिताजी उस आदमी का कार्ड दे देते हैं। जब पुलिस लोन प्रोवाइडर के पास जाकर इसका पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लोन लेने के लिए 4 बच्चे आए हुए थे,
और वहाँ के कॉर्पोरेटर का रिकमेंडेशन था, इस वजह से उन्होंने उन्हें पैसे दे दिए थे। उन बच्चों का कहना था कि उनका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराना है जिसमें 6 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने गिरवी के तौर पर सोना रखा हुआ था। इसलिए पुलिस उस कॉर्पोरेटर के पास जाकर पूछताछ करते हैं, जहां कॉर्पोरेटर बताता है कि इलेक्शन के समय वह बच्चे उसका जोरों शोरों में प्रचार किए थे और इन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए लोन चाहिए था, इसलिए गारंटी के तौर पर उन्होंने उनका साथ दिया। लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की बात सच थी या नहीं, इसलिए पुलिस भुवन के घर पूछताछ करना शुरू करते हैं, जहां से उन्हें पता चलता है कि उसका तो कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ था। साथ ही विक्की के पिताजी कहते हैं कि विक्की के किसी भी दोस्त को इंजीनियर बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। यह गुत्थी उलझती जा रही थी कि तभी पुलिस को साइबर सेल के जरिए एक मैसेज मिलता है, जिसमें रोशन ने फेसबुक पर अपडेट किया था कि वह भी अपने दोस्तों के पास जा रहा है, और इसी मैसेज के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। इसलिए पुलिस तुरंत रोशन के घर जाते हैं, जहां पर दरवाजा अंदर से बंद था, और पुलिस वहां के दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो रोशन वहां जहर पीकर पड़ा हुआ था। दोस्तों, आखिर क्यों हो रहा था यह मौत का तांडव? आखिर यह सभी बच्चे ऐसी अपनी जान क्यों गंवा रहे थे? यह जानेंगे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।